हेलो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर चूजिंग मैरिडीन ओवरसीज एज योर ट्रस्टेड एजुकेशनल कंसल्टेंट आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप यूके में सितंबर इंटेक में विदाउट आइस एम के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं काफ़ी यूनिवर्सिटीज हैं जो एमओ के बेसिस पे आपको एडमिशन दे रही हैं और उसमें आपके लिए आइस की रिक्वायरमेंट नहीं है एम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन ये एक स्टडी मैट्रिक्स uh, है जहां पर आप अपनी इनिशियल स्टडीज चाहे वो ट्वेल्थ हो स्कूल से या ग्रेजुएशन की हो आपने किसी डिग्री में फ्रॉम कॉलेज या यूनिवर्सिटी अगर आपने अपनी स्टडीज इंग्लिश में की है तो यूनिवर्सिटी या स्कूल से आपको जो सर्टिफिकेट और डिग्री मिलती है उस पर यह मैंशन होता है कि आपने अपनी कंप्लीट स्टडीज इंग्लिश में की है और अपने एग्जाम्स भी आपने इंग्लिश में दिए हैं। वो डॉक्यूमेंट ये प्रूव करता है कि आपके इंग्लिश एबिलिटी स्किल्स अच्छे हैं और आप अपनी आगे की हायर एजुकेशन स्टडीज भी इंग्लिश में कर सकते हैं जिसके लिए आपको आइस देने की आवश्यकता नहीं है काफी यूनिवर्सिटीज हैं जो एमओ के बेसिस पे आपको एडमिशन देती हैं तो आइए जानते हैं कि एम के बेसिस पे एडमिशन लेने के लिए आपके पास क्या एंट्री रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए अगर आप बैचलर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी जो डिग्री है जो कि आपने इंग्लिश में कंप्लीट की है अगर वो आपने 2020 या उसके बाद कंप्लीट किए हैं तो आप एलिजिबल हैं उस एमओआई के बेसिस में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए यूके यूनिवर्सिटीज में इसके साथ-साथ अगर आप मास्टर्स uh, में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपने अपनी जो बैचलर्स डिग्री है वो 2017 या उसके बाद कंप्लीट किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं कि मास्टर्स कोर्स में आप एमओआई के बेसिस में एडमिशन ले सकते हैं आपके लिए उसमें बैचलर्स में आपके पास फिफ्टी फाइव परसेंट एंड अब होने चाहिए हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज से कुछ एक यूनिवर्सिटीज हैं टीयर वन और टीयर टू जहां पे आप फिफ्टी परसेंट में भी अपना एडमिशन मास्टर्स डिग्री के लिए यूके में ले सकते हैं बैचलर्स के लिए आपके पास ट्वेल्थ में सिक्सटी परसेंट एंड अबव होने चाहिए काफी सारे कोर्सेज हैं जैसे कि कंप्यूटर साइंस बिजनेस एंड मैनेजमेंट हेल्थ केयर एंड अकाउंटिंग जहां पे आप एम के बेसिस में एडमिशन ले सकते हैं सेप्टेम्बर इनटेक में सो so, वो स्टूडेंट्स जिनके पास आइल्स नहीं है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करवा सकते हैं और एमओ के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं विदाउट गिविंग आइल्स और पीटीई एग्जाम्स सो अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करवाने के लिए आप हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से काउंसलिंग ले सकते हैं जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट डब्ल्यू पर जाकर अपना लाइव वीडियो काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं अपने प्रेफर्ड काउंसलर से काउंसलिंग ले सकते हैं साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट करें बेल आइकन ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स यूके एजुकेशन के बारे में मिलते रहें और आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे आपने हमें काफी सपोर्ट किया है उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और आगे बर्मिंग सिटी यूनिवर्सिटी से मिस दिशा गुप्ता जो कि साउथ एशिया रीजनल मैनेजर हैं इंडिया की वो हमारे वेरियस ऑफिस पे विजिट करेंगे जहाँ पे वो लाइव स्टूडेंट्स के साथ काउंसलिंग सेशंस करेंगी उनके डाउट सॉल्व करेंगी और यूके एजुकेशन के बारे में आपको काफी सारी इन्फॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिलेंगी साथ ही आप अगर हमारे डायरेक्टर मिस्टर अमर बहादुर सर से भी मिलना चाहते हैं तो आप हमारे डेली नोएडा आगरा लखनऊ ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ट्वेल्थ अप्रैल अप्रैल को नोएडा दिल्ली में आप हमारे ऑफिस पर विजिट कर सकते हैं बिटवीन 5। थर्टींथ uh, अप्रैल को नोएडा विजिट कर सकते हैं फोर्टींथ अप्रैल को आप हमारे आगरा ऑफिस में विजिट कर सकते हैं फिफ्टींथ अप्रैल को आप लखनऊ में विजिट कर सकते हैं इसकी डिटेल्स की जानकारी आप हमारे इवेंट सेक्शन में, में मेरेडीन वेबसाइट पे दे सकते हैं थैंक यू फॉर चूजिंग आर मेरेडीन चैनल डे